आदरणीय मजदूर सर देव जी, हमारे सभी मंचासी अतिथि, और सबसे हर चीज के केंद्र में स्थित हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, पहले तो आप सबका इस संगोष्ठी में हम अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बता दें, क्योंकि जो इसकी टॉपिक जो चुना गया है संकल्प से सिद्धि पर, वो अपने आप में संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर दे रहा है। यहाँ हम जैसे ही महाविद्यालय में प्रवेश किया हमने, तो बाईं तरफ देखा एक जगह वाराहमिहिर का चित्र, हमें वाराहमिहिर की भी याद आ गई। सर ने पहले बता दिया भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, एक चीज की माफी चाहेंगे हम, बीच बीच में हो सकता है कि गणित की बात अपने आप आ जाए क्योंकि हम गणित के विद्यार्थी हैं, तो लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही प्रारंभ से गणित से ही जुड़ी हुई थी। आपको अपने वेदों का ज्ञान, हमारे चार वेद जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं, उसके बाद जो हमारे गणित में खास तौर से हम बताएंगे आपको उसके बारे में, देखिए जो हमारे वेद थे उसमें इतना ज्ञान था, और गणितीय ज्ञान की भी अगर आप बात करें, आप सब लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इस साल को छोड़ के पिछले चार सालों से जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं को मिल रहा था, और वो पता क्या रहे थे, केवल वही बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वो हमेशा क्या बात कर रहे हैं कि विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई, पहले क्या था बाद में क्या था। हमने अपने वेदों को ध्यान से पढ़ाएंगे, ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है उसके 129वें सूत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक ने कहा, नासे ने, उसमें 6 श्लोक दिए, उसमें पूरा बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग साइकिल सारी चीजें दी, और हमें तो थोड़ा देर से पता चला। वैसे ही हमारी भगवदगीता, भगवदगीता के 9वां अध्याय पढ़े आप, उसमें श्लोक नंबर 6 और 7 जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो वहां भी उन्होंने बताया कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद ये भी बताया कि कितने कल्प के बाद, ब्रह्मा जी का 1 दिन कल्प के बराबर होता है, आपने कल्प का जो कहना चाहिए उदाहरण के रूप में कई बार देखा होगा कि कल्प, कल्प का मतलब क्या होता है, चार मतलब जो हमारे चार गुण हैं वो आपको पता है कि कैसे बटे हुए हैं, और उनको कुल मिला के जैसे भगवान ब्रह्मा जी की आयु का इन्होंने 1100 कल्प की, तो 100 कल्प क्या थे, वो 4.32 अरब वर्ष के बराबर थे। और आप चाहे मानव देखिए, चाहे भगवदगीता देखिए, सब जगह इन बातों का उल्लेख है। हम प्रारंभ से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं कि हमारे वेदों में आप देखिए कि पर्याप्त मात्रा में, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ना चाहें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, आप केमिस्ट्री के, किसी के भी हों, आप उसके हिसाब से उसको आराम से पढ़ सकते हैं। हर वेद का अपना एक ज्योतिष शास्त्र है, जैसे यहाँ कुछ गणित के विद्यार्थी होंगे, नहीं होंगे तो बीएड के विद्यार्थी हैं, वो सारे पेपर भारी है क्योंकि हमको सब विषय पढ़ने होते हैं। जो हमारा यजुर्वेद है उसका ज्योतिष पाठ है याजुर ज्योत्समा, याजुर ज्योत्समा में लगन ऋषि ने 4वें श्लोक में सबसे पहले यही बात कही कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, यथा शिखा महिला नाम नागा नाम मल्लयथा तत्व वेदांग शास्त्राणाम गणितम दुर्धन वर्तते, सारे शास्त्रों में गणित जो है सर्वोच्च है, बाकी आपको अर्थ पता होगा क्योंकि जगह जगह ये श्लोक लिखा रहता है, यथा शिखा महिला नाम नागा नाम मल्लयथा तत्व वेदांग शास्त्राणाम गणितम दुर्धन वर्तते। ये बात लगन ऋषि ने अंग्रेजों के हिसाब से 1350 ईस्वी पूर्व और हम लोगों के हिसाब से 5000 ईस्वी पूर्व ये बात कही लिखी हुई, वो उसको नहीं मानते कि वो अपना कार्बन डेटिंग के हिसाब से बताते हैं। तो हमारे जो भी वेद और शास्त्र हैं
चाहे हमारे निजाम को मानस ये हो कि 1500 में उर्दू में लिखी गई है, चाहे वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो, सब में आपको जो आपके विषय से संबंधित चीजें हैं वो मिल जाएंगी, छोटी छोटी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। हम लोग रामचरित मानस का पाठ करते हैं तो आप देखते करते हैं जय जय दुर्गा राजकिशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गर्भगम सदानंद माता। अब आप अगर जो विद्यार्थी हमारा गणित का है तो वो जानता है कि देखिए भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी होती है, सबसे पहले उसका पिता, उसके बाद पति, पति के बाद पुत्र। तो हमारे यहाँ गणित में कहते हैं कि जो धनात्मक पदों की एक दुष्ट ह्रासमान सीरीज होती है, अनुक्रम होता है, वो हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, हमेशा अभिशाली होता है। तो जब माता सीता ने पूजा की तो उस गणित का भी ध्यान रखा, उन्होंने कहा जय जय दुर्गा राजकिशोरी, पहले भगवान हिमालय जी का नाम लिया कि आपके पिताजी, फिर शिव जी का नाम लिया, फिर पुत्रों का नाम लिया, और उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि जो धनात्मक पदों की ये तीनों लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो उनके बारे में हमेशा धनात्मक विचार ही रखेंगे। रेयर जो एक्सेप्शन आप पेपर में दो चार बार देखते हो वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो धनात्मक विचार ही रखेंगे। जब धनात्मक विचार आएंगे तो और वो धीरे धीरे घटते जाएंगे तो आपकी पूजा वैसे ही सफल होगी, आपने जहाँ अभिशाली हुई जहाँ कन्वर्ज किया आपको मिल गया। आप लोगों में से जिसने भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा होगा तो उसके मूल में देखिए क्या है, हम अभी बैठे हुए तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा उसको, लेकिन हमने जब मूल की तरफ देखा तो हम यहाँ बाई तरफ देख रहे थे महंत विजयनाथ जी का एक वो राइटअप लिखा हुआ कि अभी हमने उनसे पूछा भी था कि मूल में होना क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सबसे जरूरी है शिक्षा संस्थान जो है वो उसके लिए काम करें, और शिक्षा संस्थानों में काम कौन करता है, काम करता है शिक्षा, मतलब मूल में उसके इम्प्लीमेंटेशन का 70% दायित्व जो है वो हम शिक्षकों का ही है। ये बात महान जी ने हमें लगता है 1962 में कही होगी, वो वहाँ आज 2020 की उसमें परिलक्षित हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि हमें अपने छात्रों को किस तरह की शिक्षा देनी है जिससे कि वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपको दिख रहा है कि कभी कोई आत्महत्या कर रहा है लड़का, तो वो उन सबका कारण क्या है, उनका कारण केवल वही कि हम अपने छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दे रहे, जहाँ उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ वो समझ जाएगा कि ये नौकरी, ये भोजन, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है, ये अपने आप मिलेगा। हम लोग जब 6th-7th में पढ़ते थे तो आपको याद होगा वो सुभाष सामी एक चैप्टर आता था 6th-7th में गए जो संस्कृत में, तो वहाँ देखिए विद्या के संबंध में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती थी, एक तो आपने श्लोक पढ़ा होगा विद्या ददाति विनयम दुनियात याति पातत्वात् पातत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखात्, मतलब सारी चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही, विद्या से। विद्या से जब तक आपके पास विनय नहीं आया तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, और विनय से ही पात्रता आएगी, पात्रता मतलब जो आपको नौकरियां मिल रही है, आप अगर वर्तमान पर कुछ देखना जाएं तो आप उसको भी देख सकते हैं विनयाद या कि पात्रता, और जब नौकरी मिलते पात्रता धन आप होती और धन होगा तभी आप ये जो आपको आध्यात्मिक विकास की बात बताई गई है तभी आप धर्म की ओर मुड़ेंगे और धर्म से ही सुख धना धर्म तथा सुख, और उसका जो लक्ष्य रखा आपने देखा कि विद्या के संबंध में और भी बहुत छोटी छोटी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर आप उसको मनन करके देखें तो वही हमारी इस नीति का आधार है। आपसे पढ़ने को कहा गया, आपसे अपने विकास के लिए कहा गया, आपने वही सुभाष सामी का एक और श्लोक के बारे में हम बताते हैं, तो शिक्षक के नाते मेरी एक खराब आदत है कि हमें लगता है कि जैसे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा तो मेरी निगाह उसी विद्यार्थी पर चली जाती है, तो आपको हम बहुत दूर नहीं लेंगे, 2 मिनट बोलेंगे तो थोड़ी देर। तो आपने देखिए विद्या के संबंध में पढ़ा कि न चौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भार कार्यम, एकमात्र ऐसा धन वह कति वर्धते और नित्यम विद्या धनम सर्वधन सभी धनों में प्रधान सर्वधनम प्रधान,
आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब भाइयों में बंटवारा होता है तो वो कहते कि तुम्हें तो पिताजी ने एमएससी पर पढ़ाया, अपनी सीआरई हमें दो। एक भी आदमी नहीं बोलता, भैया हम तो हाईस्कूल भी नहीं कराया, इंटर वाला हमें दे दो, कोई नहीं कहेगा। तो वो प्रधानता जो विद्या की है, जो शिक्षा की, वो कब आएगी? तब आपने आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, और वही हमारा मूल काम भी। सर ने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, तो आपको मालूम होना चाहिए 1100 से 1160 से लेके और औरंगजेब के और आगे बहादुर शाह जफर के जमाने तक, मतलब 1832-33 तक हमारे यहाँ जो भी टेक्स्ट बुक थी, नीचे हम नीचे की बात कर रहे हैं, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और जो जहाँ तक हमें पहुँचे नहीं, वहाँ गणित की जो टेक्स्ट बुक थी वो वही थी, भास्कराचार्य की बीज गणितम और लीलावती वैसी पढ़ाई जाती थी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग थी। हमने पता हम रामवीर के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। रामवीर जो थे वो उज्जैन के रहने वाले थे, चंद्रगुप्त के नवरत्न थे, नाम नहीं था उनका रामवीर। रामवीर तो आपको याद होगा, आप नासा को देखते होंगे ना, नासा वालों ने 1960 के बाद पता लगा पाया कि मंगल ग्रह पर पानी है, और रामवीर ने अपने कैलकुलेशन से 560 ईस्वी में ये बता दिया था। वो लोग बेचारे इसी में परेशान है कि उन्होंने कैलकुलेशन किस तरह से किया, वैद्य जातिका को पढ़ पढ़ के परेशान कि ये कौन सा कैलकुलेशन था जो उन्होंने इतने साल पहले बता दिया कि मंगल ग्रह में इस जगह पानी है। वराहमिहिर का जो कैलकुलेशन, उनका नाम था मिहिर, वराह तो बाद में चंद्रगुप्त जी ने जोड़ा जबरदस्ती। चंद्रगुप्त जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, तो उन्होंने मिहिर के पिताजी को बुलाया, आदित्य दास नाम था उनका, उनको बुलाया कहे इसका आप कह रहा था भविष्य बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बताएंगे, मेरा लड़के का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, उसको बुला। अब वो आए नहीं तुम्हें क्या बताओ, अब वो देखे उनको फिर बोले ना, बहुत देर तक राजा ने कहा कि बताओ क्या बताना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए बता देंगे, लेकिन आप पहले हमें एक वादा कीजिए कि मुझे कोई भी किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। राजा ने वादा कर दिया कि ठीक है हम किसी प्रकार का दंड नहीं। मोर ने देखा, उन्होंने कहा लड़का तो अच्छा है, लेकिन 12 वर्ष 7 माह 6 दिन के 30वें पहर में एक सुअर आएगा और इसको मार डालेगा। राजा बहुत बोला ऐसे करके हमारे सुरक्षा में 12 साल तक उसकी पूरी सुरक्षा में वो लड़का रहा, लेकिन जो टाइम मोर ने बताया था उस समय कहीं से एक सुअर आया और उसने उसको मार दिया। जाते नहीं थे रात दरबार में, मरने के 3 दिन बाद बुलाया चंद्रगुप्त ने फिर से, उन्होंने कहा आओ मीर, मीर को लेके आवाते थे रात, आप पैसे लेके पहुंचे मीर को, बोलो सुनो तुमने कहा तो ठीक, आज से तुम हमारे नवरत्नों में शामिल हो, लेकिन तुम्हारा नाम मीर को नहीं होगा, वराह मतलब सबको समझते ना सुअर, तुमने कहा आज से तुम्हारा नाम वराह मीर होगा, क्योंकि तुमने पहली बार वही सत्य बोला था हमसे। तो हमारे जो ऋषि रहे हैं, जो हमारे मेन जो एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्व रहे हैं, उनका इतना स्ट्रांग कैलकुलेशन था कि आज तक हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं। कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, उन्होंने जो किया वो मिली नहीं रहा, चाहे वो आर्यभट्ट हो, आर्यभट्ट ने 479 में आर्यभट्टम लिखी, केवल 121 श्लोक लिखे, उसमें भी जो 4 चैप्टर है उसके गलत पाठ में केवल 33 श्लोक लिखे। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं, जैसे मैम बैठी है हिंदू की, तो आप लोग बिहारी कवि थे, कहते हैं बिहारी ने सत्संग में गागर में सागर भर दिया, अपने 716 या 714 में सब कुछ रख दिया, हर तरह का आपको अलंकार मिलेगा, छंद मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, चाहे भक्ति रस चाहिए, चाहे श्रृंगार रस चाहिए, चाहे श्रृंगार में वियोग चाहिए, चाहे श्रृंगार में संयोग चाहिए, सारी चीज मिलेगी एक एक दोहे में उन्होंने, चाहे वो मेरी भवादार हो या इतिहास चले जा तो चलो जैसा था कहा, सब चीजें। वैसे ही हमारे जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने जो आर्यभट्टियां लिखी 479 में, उसमें गणित के 33 श्लोकों में उसके 4 चैप्टर हैं, गीता पाठ, गणित पाठ, कालक्रिया पाठ और गुरु पाठ। उन्होंने 33 श्लोकों में इतनी गणित दे दी कि आज तक उस 33 श्लोकों के गणित पाठ पर ही हिंदुस्तान के करीब
100 कुछ हमने अभी पिछली बार देखा था 103 लोग रिसर्च कर चुके उसी 33 मतलब 33 श्लोक पे 103 लोग पीएचडी प्राप्त कर चुके। अब आप उसके एक एक श्लोक की महत्ता समझ आइए। तो घड़ी सामने दिखाई देगी, एक बात बहुत अच्छी थी, ऑर्गेनाइजर को घड़ी हमेशा सामने रखनी चाहिए कि आदमी को बोलते समय ये ध्यान रहे कि क्या समय बताया गया था। 5 मिनट ज़्यादा हो गया, माफी चाहेंगे हम, लेकिन क्योंकि पहले से 15-20-25 मिनट लोगों ने कम कर लिया तो हमने कहा 5 मिनट हम ज़्यादा कर देते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे, जैसे मैंने कहा ना संकल्प से सिद्धि तक वाली जो बात है, तो सिद्धि के लिए हमें पर्याप्त समय दिया गया है, संकल्प हमने ले लिया है और हमारे पास अभी समय है। और हम उस सिद्धि तक वाली जो बात है, जैसे 20-40 की बात कही है, हमें लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था रही धीरे धीरे, जैसे अभी हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में जो एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट सिस्टम आया, उसको देख के तो लगता है कि जिस तैयारी के साथ अब सरकार आ रही, मतलब हम लोग 10-10 लोग बैठ के भी उसमें ये नहीं देख पा रहे कि इसमें क्या कमी, उनको लिख के भेज दें। पहले जो आया था उसमें थोड़ा था जा पा, लेकिन अभी जो आया है, अभी आप देखे हैं 1 महीने पहले वाला कि 4 ईयर और 3 ईयर वाले में, उसमें आपको क्रेडिट सिस्टम में कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आप, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि हम शीघ्र ही 2040 तक का हमें समय दिया गया है, लेकिन 2040 के बजाय हमें लगता है हम 2030 और 2035 के बीच में ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और उसके लिए हम सभी, हमने कहा ना ये कि इसको बार बार अगर शिक्षकों को पढ़ाया जाए तो आधा समस्या का है, हमने तो पहली बार पढ़ाया लेकिन हम उसको देख रहे थे कि ये अपने आप ही हल हो जाएगा। और उसमें शिक्षक और विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी हैं वो उत्तम केंद्र में है, वो भी कोशिश करेंगे, हमारे शिक्षक कोशिश कर ही रहे हैं। और जो मातृभाषा से संबंधित बात थी वो बहुत जरूरी है, अब हमने कहा हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो आप सभी लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सब लोगों को सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों अतिथियों के साथ हम लोग सिद्धि से संकल्प तक के एक पड़ाव को पार किया। आशा करते हैं भविष्य में जब भी मुझे आपके ज्ञान की, आपके ज्ञान गंगा की धारा की जरूरत पड़ेगी तो हमें उसे बहाने आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।